नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश और इस वक्त मैं हूँ विवेकानंद उद्यान में। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों को दिखाऊं कि विवेकानंद उद्यान कैसा है, तो फाइनली आज मैं आ चुका हूँ विवेकानंद उद्यान में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना ही खूबसूरत बोलूँ उतना ही खूबसूरत नज़ारा है। ठीक, मेरे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, और इस वक्त मैं हूँ विवेकानंद उद्यान में। आपको बीच भी दिखाऊँगा कि उद्यान कैसा है, और काफ़ी दिन बाद मैं भी यहाँ पर आ रहा हूँ। और कहना चाहूँगा कि तबीयत ख़राब होने के बाद में कहीं पर भी जाना मेरे लिए तो नामुमकिन था, पर जैसे ही तबीयत मेरा ठीक हुआ उस हिसाब से मैं आ चुका हूँ आप लोग को दिखाने के लिए खूबसूरत जगह विवेकानंद उद्यान। ठीक है, तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा अभी कैसा है, और आज फ्रेंडशिप डे है उस हिसाब से यहाँ पर का नज़ारा चल रहा है। और जिन जिन भाई लोग का कमेंट आते जाता है तो मौसम के हिसाब से मैं ब्लॉगिंग के लिए निकलता हूँ, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो बारिश होने के बाद हम वीडियो नहीं बना सकते और वीडियो अच्छा क्वालिटी नहीं बनता। बोले जाता 4K वीडियो में बनना रहता है और वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है, बादल छा रहते हैं, सनलाइट नहीं रहता, तो वीडियो नहीं बन पाता अच्छा से। और मैं आपको आज घुमा रहा हूँ विवेकानंद उद्यान। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत उद्यान है। मैं आप लोग को पूरा एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ कि विवेकानंद उद्यान कैसा है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा यार, और जो भी चैनल में नए रहते हैं वो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक यार जो जो स्वामी विवेकानंद उद्यान नहीं आए हैं तो जल्दी से आप स्वामी विवेकानंद उद्यान आए, एक बार उद्यान तो जरूर घूमने यार, क्योंकि जैसा बाहर से दिखता है वैसा उद्यान नहीं है, काफ़ी खूबसूरत है उद्यान अंदर से। मैं भी यहाँ आया नहीं था, और आने के बाद में जब देखा तो काफ़ी अच्छा लगा यार, इसलिए मैं सोचा कि आप लोग को भी यहाँ घूमने आना चाहिए, तो स्वामी विवेकानंद उद्यान जरूर आएँ। और जो भी वीडियो में नया है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नया है वो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जैसे ही कमेंट करेंगे मैं आपको वीडियो बनाकर भेज दूंगा, बोला जाए तो डाल दूंगा चैनल में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जो भी नया है वो यहाँ रो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो आते ही रहते हैं। और जो भी आप जानकारी चाहेंगे बिलासपुर से तो मैं आपको देने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत, देश की जान इंडियन आर्मी। मेरा तबीयत जस्ट हल्का सा ठीक हुआ है, उसके बाद में मैं ब्लॉगिंग के लिए निकला हूँ, तो आज मौसम ठीक था इसलिए मैं सोचा कि आज कुछ अच्छे जगह दिखा देना चाहिए। तो जय हिंद जय भारत।